एक्ट्रेस उर्फी जावेद और ऑथर चेतन भगत के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है। चेतन भगत ने एक और ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने उर्फी जावेद का नाम नहीं लिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ जाती है। इन दिनों उनका पॉपुलर ऑथर चेतन भगत से सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है। दरअसल चेतन भगत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आज का युवा बिस्तर में घुसकर उर्फी जावेद की पिक्चर्स देख रहा है। इसके बाद उर्फी जावेद ने चेतन भगत पर पलटवार किया था। उन्होंने चेतन भगत की क्लास ही लगा दी थी और उनके मीटू केस पर कमेंट किया था। अब एक बार फिर से चेतन भगत ने अपने ट्वीट में अपना पक्ष रखा है, हालांकि उन्होंने ट्वीट में उर्फी जावेद का नाम तो नहीं लिया है। चेतन भगत ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा है, मैंने कभी किसी से बात नहीं की, मुलाकात नहीं की और जान पहचान नहीं की। जो ये फैलाया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया है। ये फेक और झूठ है, ये एक गैर मुद्दा है। मैंने किसी की आलोचना नहीं की है और मुझे ये भी लगता है कि लोगों को इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करने से रोकने और फिटनेस को और करियर पर ध्यान देने में कुछ भी गलत नहीं है। बताते चले कि चेतन भगत ने एक कार्यक्रम के दौरान ये स्टेटमेंट दिया था, आज के युवाओं को किताब पढ़नी चाहिए। इंटरनेट अच्छी चीज है, लेकिन हमारे युवा फोन में पूरा दिन रील्स देखते रहते हैं और फोटो लाइक करते रहते हैं। युवा उर्फी जावेद की फोटो लाइक कर रहा है। मुझे उर्फी के सभी ड्रेस के बारे में पता है। उर्फी ने गलती नहीं की है, वो अपना करियर बना रही है। लोग बिस्तर में घुसकर उर्फी की तस्वीर देख रहे हैं। आज मैं उर्फी की तस्वीर देखकर आया हूँ। आज उसने दो फोन पहने हैं। उर्फी जैसे लोग मिलते रहते हैं, इस पर कहानियां बनती रहती है। चेतन भगत के इस बयान के बाद उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी क्लास ही क्लास लगा दी थी। उर्फी ने इस दौरान कहा था, What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है। Also, you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं। अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो। आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो। आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे। तब ये सब हरकतें करके जब अपने से आधी उम्र की लड़की को मैसेज कर रहे, तब उनके कपड़ों से भटकाया था। ऐसे ही आदमी होते हैं जो अपनी कमियों को मानने की बजाय औरतों को गलत ठहराते हैं। तुम बेगैरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लड़की या उसकी कपड़ों की गलती है। फालतू में मुझे अपनी बात में लेकर आए हो, मेरे कपड़ों के बारे में बोला कि उससे युवा भटक रहे हैं। ये सच में बकवास है। तुम्हारा कम उम्र लड़कियों को मैसेज करना उसके लिए भटकाने वाला नहीं था। रेप कल्चर को बढ़ावा देना बंद कर दो तुम बीमार दिमाग वाले लोगों। मर्दों के बर्ताव के लिए औरत को जिम्मेदार ठहराना 80 के दशक की बात हो गई। मिस्टर चेतन भगत, हमेशा दूसरे जेंडर पर उंगली उठाओ, अपनी गलती मत देखो। तुम्हारे जैसे लोग यूथ को बिगाड़ रहे हैं, न कि मैं। तुम जैसे लोग लड़कों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी गलती को का ठिकरा औरतों या उनके कपड़े पर फोड़ा जाता है। ऐसे ही आप सोशल मीडिया पर लगातार उर्फी जावेद और चेतन भगत के बीच वॉर देखने को मिल रही है। वैसे तो बता दे कि जहां अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर उर्फी जावेद काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं, तो वहीं वो अपने बेबाक अंदाज के लिए भी हमेशा सुर्खियों में छाई रहती है। कहना गलत नहीं होगा कि हर मुद्दे पर उर्फी जावेद बेबाकी से अपनी राय सबके सामने रखती हैं। वे एक बार फिर से उर्फी जावेद का सोशल मीडिया पर उनके ड्रेस को लेकर जंग छिड़ गया है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप चेतन भगत से सहमत है या फिर उर्फी जावेद से सहमत है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।